हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नेक्स्ट सीरीज में आपका स्वागत है, जिसमें हम लोग फरवरी 2021 के फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 11 फरवरी 2021 सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन तक हम लोगों ने देख लिया था। आज नेक्स्ट देखेंगे 15 फरवरी 2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। भीम का फुल फॉर्म भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है। नरेंद्र मोदी भारत के वैसे प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद हुआ। पहला पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को मनाया गया। एमबी का फुल फॉर्म मेगाबाइट होता है। कोविड-19 के कारण भारत के कर्नाटक राज्य में पहला मृत्यु हुआ था। कोल्हाटी भाषा महाराष्ट्र में बोली जाती है। श्वसन को मेडुला ऑब्लॉन्गेटा कंट्रोल करता है। दादाभाई नौरोजी 1892 से 1895 में हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने रहे। 1980 में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था। 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम था और ना ही राष्ट्रीय ना ही स्वतंत्रता संग्राम, ये कथन आरसी मजूमदार के हैं। भारत का पहला शिक्षा को समर्पित उपग्रह एडुसेट या G-SAT-3 है। सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश एम फातिमा बीवी थी। 124वां संविधान संशोधन कमजोर वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण से संबंधित है। एनटीपीसी 15 फरवरी 2021 सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत नई दिल्ली से हुई थी। संवेग परिवर्तन की दर पल के अनुपात होता है, ये न्यूटन के गति का दूसरा नियम है। गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत 1995 ईस्वी में की गई थी। उदयपुर को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत 16 जनवरी 2016 को हुई थी। यूनेप यानी के संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। भारत का मानव युक्त प्रथम अंतरिक्षयान गगनयान है। अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद अरबी भाषा में लिखी थी। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पर राष्ट्रपति ने 9 अगस्त 2019 को हस्ताक्षर किया था। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पर राष्ट्रपति ने 9 अगस्त 2019 को हस्ताक्षर किए थे। भारत और बांग्लादेश से संबंधित भूमि बंटवारों को लेकर 2015 में 100वां संविधान संशोधन हुआ था। प्रोसेसर की स्पीड MHZ GHZ में मापी जाती है। साबरमती नदी अरब सागर में गिरती है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में है। आगे देखते हैं एनटीपीसी 16 फरवरी 2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन। ASCII का फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। इसी फाइल को रीनेम करने के लिए शॉर्टकट की F2 का इस्तेमाल किया जाता है। सूरज और पृथ्वी एक दूसरे से सबसे दूर हो तो अप्सौर कहलाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा 26 जनवरी 1930 को की गई थी। कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। NaHCO3 का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा है। फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह है। ग्लिसरॉल का IUPAC नाम प्रोपेन 123 ट्रायल है। जोल जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। मंगल ग्रह पर जाने वाला प्रथम एशियाई देश भारत है। भारत यूएनओ में 1945 ईस्वी में शामिल हुआ था। माथुड़ी नृत्य तेलंगाना राज्य से संबंधित है। मानव शरीर में
लवण का परिवहन प्लाज्मा द्वारा होता है। मानव शरीर में लवण का परिवहन प्लाज्मा द्वारा होता है। संविधान का 69वां संशोधन दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाए जाने से संबंधित है। एनटीपीसी 16 फरवरी 2021 सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है। पहला सवाल है कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया। जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान है। जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान है। SGST फुल फॉर्म एस्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। SGST फुल फॉर्म होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। 15 अगस्त 1974 को पहली बार मुख्यमंत्री एम करुणा निधि ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। india@gmail.com में यूजर नेम इंडिया है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। VVPAT का फुल फॉर्म वाटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल होता है। कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम दादाभाई नौरोजी ने की थी। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। 2011 जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आदिवासी आबादी निवास करती है। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है। एनटीपीसी 17 फरवरी 2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन। FQDN की फुल फॉर्म फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम होता है। जावा स्क्रिप्ट का ऑफिशियल नेम ECMA स्क्रिप्ट है। बोरलॉग पुरस्कार कृषि एवं पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए दिया जाता है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को पारित किया था। अर्जुन पेड़ की छाल का उपयोग हृदय रोग के उपचार के लिए किया जाता है। अनुच्छेद 243C ग्राम पंचायत की संरचना से संबंधित है। कांग्रेस अध्यक्ष में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला रेहाना तैयब जी है। कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला रेहाना तैयब जी है। उड़ीसा के लिंगराज मंदिर का निर्माण सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने करवाया था। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। हिंदी को भारत की राज्यभाषा घोषित करने के प्रयास हेतु स्वतंत्रता सेनानी पुरुषोत्तम दास टंडन को याद किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया जाता है। एनटीपीसी 17 फरवरी 2021 सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन। अशोक मौर्य वंश का शासक था। कंट्रोल प्लस ए ऑल सिलेक्शन का शॉर्टकट है। हंड्रेड निबल 400 बाइट्स के बराबर होता है। PIOS का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। 200 रुपये के नोट के पीछे सांची स्तूप मध्य प्रदेश का चित्र होता है। NH 48 का विस्तार दिल्ली से चेन्नई तक है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है। मलेरिया के संचरण संबंधी खोज के लिए रोनाल्ड रोस को नोबेल पुरस्कार दिया गया। नाभिकीय भौतिकी का जनक अर्नेस्ट रदरफोर्ड को माना जाता है। अक्रिय गैस रेडॉन रेडियोधर्मी प्रकृति की है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब शहर में है। डेक्कन ओडिसी एक लग्जरी ट्रेन है। कल्पना वन मौसम विज्ञान संबंधी उपग्रह है। लाल पांडा का भोजन बांस की पत्ती है।
लाल पांडा का भोजन बांस की पत्ती है। तमस उपन्यास के लेखक भीष्म साहनी है। तमस उपन्यास के लेखक भीष्म साहनी है। तरब नाइट्रोजन का क्वथनांक 1190 सी होता है। कोमा गाटा मारू एक जापानी जलयान था। नेहरू देशभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ, यह कथन मोहम्मद इकबाल के द्वारा कही गई थी। मोनाजाइट थोरियम का एक अयस्क है। एनटीपीसी 22 फरवरी 2021, फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन। आशा का फुल फॉर्म एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट है। पार्क का फुल फॉर्म भाभा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम है। एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर 8000 परम 8000 है। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक विजय भटनागर, डॉक्टर विजय भटनागर को माना जाता है। सत्याग्रह सभा की स्थापना 1919 में महात्मा गांधी ने की थी। हड्डियों के जॉइंट के बीच में साइनोवियल द्रव होता है। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शीर्ष 30 कंपनियों का एक सूचकांक है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को क्षमा दान देने की शक्ति प्राप्त है। गांधी जी की दांडी यात्रा 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को समाप्त हुई थी। करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 8 अगस्त 1942 को दिया गया था। हरिप्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। एनटीपीसी 22 फरवरी 2021, सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन। वायरस की फुल फॉर्म विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज होता है। लेजर का फुल फॉर्म लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय एस्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। CR7 खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो का उपनाम है। वैदिक काल का समय 1500 से 600 ईसा पूर्व था। यूरोपियन संघ की स्थापना 1993 में हुई थी। स्वामी विवेकानंद की धातु की 33 फीट ऊंची मूर्ति रांची झारखंड में स्थापित की गई है। इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करता है। भारत का पहला उपग्रह सोवियत संघ में लॉन्च किया गया था। ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारी लाल नंदा दो बार रहे थे। चेल्सी क्लब फुटबॉल खेल से संबंधित है। राष्ट्रगीत की रचना बंकिम चंद चटर्जी ने की थी। दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र रूस देश में है। लोकायुक्त भारत के राज्यों द्वारा गठित भ्रष्टाचार रोधी संस्थान है। हृदय से किडनी तक रक्त का परिवहन गुर्दे की धमनी द्वारा किया जाता है। एनटीपीसी 22 फरवरी 2021, फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द जोड़े गए। लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क होता है। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मा राम पंडुरंग और महादेव गोविंद रनाडे ने किया था। बांग्लादेश की सीमा असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम पश्चिम बंगाल राज्य से लगती है। डीपीआई की फुल फॉर्म डॉट्स पर इंच होता है। रॉस द्वीप का नाम बदलकर सुभाष चंद्र द्वीप कर दिया गया है।
रॉस द्वीप का नाम बदलकर सुभाष चंद्र द्वीप कर दिया गया है। स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू हुआ था। मानव शरीर का सामान्य ताप 98.6 फरनहाइट होता है। मानव कान 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण एक कानूनी अज्ञातपत्र होता है जिसके द्वारा गैर कानूनी कारणों से गिरफ्तार व्यक्ति को रिहाई मिल सकती है। WTO का पुराना नाम GATT GATT था। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है। ये एक ही साथ ऊपर में रह गया है, ये अलग क्वेश्चन है। भारत में विधि का शासन ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। NTPC 27 फरवरी 2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन। प्रसाद योजना धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और विकास करने से संबंधित है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन है। सोडियम वायु के संपर्क में आकर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर जल उठता है। गर्भाशय से ऑक्सीटोसिन एंजाइम स्रावित होता है। झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व में डॉलर मुद्रा सबसे ज्यादा प्रचलित है। IRDI का फुल फॉर्म इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज न्यूटन ने की। बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को स्वतंत्र हुआ। MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, MS ऑफिस के भाग हैं। ब्रिटिश काल में स्वतंत्रता के लिए पहला आंदोलन बंगाल में हुआ था। नाविकीय भौतिकी के जनक रदरफोर्ड हैं। 27 फरवरी 2021 के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन। E300 विटामिन सी का अन्य नाम है। E300 विटामिन सी का दूसरा नाम है। जालियांवाला बाग कांड के बाद महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। कौन सी कैसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने लौटा दी जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। संवाद कौमुदी पत्रिका के संपादक राजा राम मोहन राय थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में की गई थी। चांदी हाइड्रोजन सल्फाइड H2S से अभिक्रिया करके काली पड़ जाती है। चांदी जो है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S से अभिक्रिया करके काली पड़ जाती है। राष्ट्रीय महिला किसान दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। मणिपुर नृत्य कृष्ण भगवान को समर्पित है। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। चीनी व्यक्ति लियू शियावो को 2010 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भारत का पहला स्वदेशी कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को वर्ष 1953 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। आयतन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी